हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम लोग निशब्दम के ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि 21 सितंबर को आया था। और किस सितंबर को? 21 21 सितंबर। सो गाइस, ये 21 सितंबर को आया था। और ये तो आज हम लोग इस ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। और इसका कास्ट कौन है? सो इस ट्रेलर में है आर माधवन सर एंड अनुष्का शेट्टी। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि आर माधवन सर का शायद ये हमारे चैनल में फर्स्ट वीडियो है जिसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। सो देखते हैं ये वीडियो कैसा होगा। सो हमें पता है आर माधवन सर के बहुत ही ऐसे बहुत हिट्स मूवी है, जिसमें से एक है 3 इडियट्स, जिसमें उनका रोल मतलब उन तीनों का ही रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बहुत एक एक अलग अलग कैरेक्टर पोर्ट्रेट किया गया था। सो देखते हैं ये मूवी कैसा होगा। तो पहले ट्रेलर देख लेते हैं इस मूवी का। सो गाइस, देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। ది కావల్సిన జోసెఫిన్ వుడ్ పెయింటింగ్ ఈ హాంటెడ్ హౌస్ లోనే ఉందంట। Sonali is my best friend. Engagement aina rendu roju nunchi Sonali kanapadakunda poyindi. My name is Richard Dawkins. What happened in that house? Isn't that terrific? A mute for a witness. Have you ever seen a ghost? Yeah, it's my ex-wife. There's something wrong somewhere. Idanta wo patkalamma okatte chesindantava? तो गाइस, हम लोगों ने ट्रेलर देख लिया है और ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मतलब बहुत ही ज्यादा कुछ नया कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ हॉरर टाइप का था, जो कि एक घर में होता है। अब पता नहीं वो हॉरर है कि थ्रिलर है सिर्फ। हाँ, बहुत ज्यादा थ्रिलर एंड हॉरर का मिक्सचर मैंने देखा। जो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनका नाम है हेमंत मधुकर, और उन्होंने बहुत ही जो ये कंसेप्ट है बहुत ही डिफरेंट तरीके से लगा है। पहले मुझे लगा था ये हॉन्टेड टाइप ऑफ था, फिर थ्रिलिंग आ गया। हाँ। तो पता नहीं, और ऊपर से जो विटनेस है यानी कि अनुष्का शेट्टी, वो म्यूट है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शायद उसके सामने वो केस हुआ होगा और वो बोलने का कोशिश करी लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। सो बहुत ही मजेदार हम लोग ने एक ट्रेलर मुझे देखा है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये ट्रेलर, क्योंकि आर माधवन का ज्यादातर मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और वन ऑफ द टॉप एक्टर्स में से है वो। मतलब उनका जितना भी मूवी वो चूज करते हैं ज्यादातर इतना मतलब धासु होता है क्या वो ज्यादा मूवी। एक्चुअली बहुत ही ज्यादा एक्टर्स अभी लेजेंडरी एक्टर्स जो है बहुत ही कम मूवी चूज करते, लेकिन जो करते हैं एकदम क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा कुछ पोर्ट्रे करने वाला मूवी होता है। एंड बहुत ही मतलब क्या बोलूं, या तो बायोग्राफी होना चाहिए, कुछ डिफरेंट कोई स्टोरी को पोर्ट्रे करना है, तो ये मूवी भी मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, ये मूवी तो रिलीज हो चुका है, तो अब पता नहीं रिव्यू कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसका रिव्यू देखा नहीं है। तो पहले मूवी देख लेंगे, उसके बाद इसका रिव्यू भी कर देंगे। और हाँ, मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगी, अनुष्का शेट्टी का जो ये लुक है, जैसे कि एकदम मॉडर्न एंड जो ये मतलब क्लासिक बॉब हेयर कट में एकदम बीच वेव्स, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा जा रहा है, एकदम कॉलेज टाइप, मतलब एकदम यंग लुक एकदम दिया गया है। ये एकदम डिफरेंट ही लुक है, क्योंकि मैंने अभी अनुष्का शेट्टी का मूवी बाहुबली के बाद ये मूवी देखा है। जरूर, तो बाहुबली में एकदम डिफरेंट था, पर ये मूवी में एकदम मॉडर्न टाइप ऑफ लुक दिया गया है, मुझे बहुत पसंद आया है। बेसिकली उनके ऊपर बहुत अच्छा जा रहा है।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सामने जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन में जाए। एंड हाँ गाइस, ढेर सारे कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, और शेयर करना मत भूलना। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।